जिन मीडिया हाउसेज ने ये प्रोपेगेंडा किया उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो वो क्वालिफाई किया सबको जेल जाना चाहिए, उसमें लिखा था जो जो दोषी हैं उनको सबको जेल जाना, जो दोषी आपने नहीं बोला है, वो वीडियो अवेलेबल है अभी। जब से हमने मुकेश अंबानी के पिछली बार स्विस बैंक के अकाउंट एक्सपोज किए थे आप लोगों ने तो दिखाना ही बंद कर दिया था। आप छाए हुए हो, आपको जितनी कवरेज मिलती है अरविंद उसकी किसी को नहीं मिलती, हर आदमी अपना टुकड़ा लिए रो रहा है। सर जी आप अपना देख लीजिए, पिछली सीधी बात आपने एक साल पहले की, एक साल पहले नहीं, आप झूठ मूठ का मत बोलिए, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, 8-10 हफ्ते पहले की थी, इसी स्टूडियो में आए थे, बगल में बैठ के हम लोगों ने सीधी बात की थी, चुनाव प्रचार जब शुरू हो रहा था तब। अरविंद मानता हूँ राजनीति में हो लेकिन कम से कम सच तो बोलो। बच्चों की कसम है ना, बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई। जो डॉक्टर हर्षवर्धन है विपक्ष के नेता, उन्होंने हम पे आरोप लगाया कि आप सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन था उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं, तो बात कर रहे हैं कि इस खामोशी का क्या मतलब निकाला? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा सारे सबूत भेजे और मैं तुरंत जांच कराऊंगा, 2 घंटे के अंदर जांच कराऊंगा। ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है, और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? अरे जांच होनी चाहिए, जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है, जब आपके पास मौका था। आप जज बाय व्हाट दे डू व्हेन दे आर इन पावर, नॉट व्हाट दे से व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन। व्हेन यू हैड एन अपॉर्चुनिटी यू डिड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू टेल द पीपल ऑफ इंडिया दैट यू आर डिफरेंट, व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी द डिफरेंस यू डेवलप कोल्ड फीट। अरविंद आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे, अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ सर, मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रैंकली, बुरा मत मानो। ये बड़ा एक आसान जवाब, कागज तो भेज दो। नहीं कागज तो हम आपको भेजने को तैयार है, आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देख के और सुओ मोटो सब कुछ, आप कागज भेज दो। आपके जो साथी हैं उन्होंने दस्तावेज मांगे, उन्हें तमाम दस्तावेज दिए गए और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने पूछ लिया है सोमनाथ भारती से, सोमनाथ भारती का कहना है कि उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, हस्ताक्षर है दस्तखत है आपके साथी के, और जो पैमाना आप दूसरों पर फिट करते हो कभी कभी शायद वही पैमाना अपने पर भी फिट कर लेना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है।